ऑपरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना अब पुतिन की फौज पर एजीएम 88 मिसाइलों से हमले कर रही है। बताया गया कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर जेलेंस्की की सेना ने कई मिसाइलें दागी, लेकिन वो रूस के ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं कर सकी। दावा किया गया कि अमेरिका से मिली एजीएम 88 हार्म यानी हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइलों से यूक्रेन ने खेरसोन में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले यूक्रेन को एजीएम 88 मिसाइलें दी थी। माना जा रहा था कि ये मिसाइलें युद्ध में यूक्रेन के लिए बड़ी कारगर साबित होंगी। मिसाइल से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई थी उनमें दावा किया गया था कि एजीएम 88 मिसाइलें रडार से लैस एयर डिफेंस सिस्टम को भी ढेर करने की ताकत रखती हैं। लेकिन अब जब खेरसोन के एक इलाके में दागी गई मिसाइलों की कुछ तस्वीरें सामने आईं तो इसकी क्षमता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि टारगेट को तबाह करना तो दूर, वो गिरने के बाद फटी नहीं। और तो और उनका निशान। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाना भी चुक गया। बताया गया कि यूक्रेन की सेना पिछले 3 हफ्तों से रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर रही है। वो लगातार एजीएम 88 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन दावा है कि अब तक वो रूस के S-400 को तबाह नहीं कर पाई है। बताया गया कि यूक्रेन ने खेरसोन के जिस इलाके में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया वहां उसकी मिसाइलें गिरी ही नहीं। यही नहीं, खबर है कि यूक्रेन की मिसाइलों का न सिर्फ निशाना चूका बल्कि गिरने के बाद उनमें ब्लास्ट भी नहीं हुआ। दावा किया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनमें खराबी थी।